इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप वीवो के मोबाइल फ़ोन में डिजिटल बेबलिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे अपने वीवो बायोनेस फोन के वीवो मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने पर यहाँ पर आप नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो आपको इसमें एक सेटिंग देखने मिल जाएगा डिजिटल बेबलिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल का। आपका वीवो का मोबाइल फ़ोन किसी भी मॉडल का हो तो नीचे आने पर आपको ये सेटिंग जरूर मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कुछ ज़रूरी डिटेल आपको दिखाए जाते हैं। जैसे आज आपने अपने फ़ोन को जितने देर तक यूज किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों टुडे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है 3 मिनट, तो अभी तक हमने जो है अपने मोबाइल को आज जो है 3 मिनट ही यूज किया है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए आपको यह स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीन टाइम वही होता है जितने देर आप आज फ़ोन को यूज करते हैं। और आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों डे बाई डे देखने का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ शो ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी ऐप को जितने देर यूज किया होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिसीव्ड का। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आज आपको कितने नोटिफिकेशन मिले हैं। और नीचे आने पर यह देखने को मिल जाएगा कि कौन से ऐप से कितना नोटिफिकेशन आया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टाइम ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आज आपने अपने फ़ोन को कितने बार ओपन किया है, यानी कि कितने बार अनलॉक किया है और किस ऐप को कितने बार खोला है। तो ये देखने के लिए आपको नीचे आना होगा, तो नीचे आने पर वो सारा ऐप देखने को मिल जाएगा जिस ऐप को आपने जितने बार खोला होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग को 3 बार ओपन किया है, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर को 2 टाइम, एल्बम को 1 टाइम, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरीके से आप जो है वीवो के मोबाइल फ़ोन में डिजिटल बेबलिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।